बूंदी के नैनवा में कोरोना पॉजिटिव आई नवजात बालक, जनाना महिला ने प्रशासन की धड़कनें बढ़ा दी है। प्रशासन को परसुता पर संदेह था कि वह टोंक में 2 जून के पहले भी कई बार आई है। ऐसे में बच्चा पैदा होने पर इलाके में आसपास के लोगों को रसगुल्ले बधाई के तौर पर वितरित किए गए थे। मिठाई लेने वालों में कौन कौन शामिल है और यह मिठाई किन किन लोगों ने खाई है, ऐसे में संक्रमण का खतरा नैनवा कस्बे में और भी ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया है। भरतपुर के जैसे बूंदी में है खतरा नहीं हो, इसको लेकर बूंदी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मोबाइल लोकेशन के अनुरूप अब परसूता के आने जाने की ट्रैकिंग की जा रही है। प्रशासन को संदेह है कि जनाना सहित परसूता के परिजन झूठ बोल रहे हैं, इसी के चलते उनकी मोबाइल ट्रैकिंग के अनुरूप कौन कौन लोग उनके संपर्क में हैं, उनको पहचान कर उनको भी क्वारंटाइन किया जाना है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा के इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। नैनवा में जो प्रकरण आया है वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि अभी उस वो कह रहे हैं कि मैं 1 तारीख को ही गई थी, पर हमारे को ये लगता है कि पूर्व में वो कहीं कहीं दिखा कर आई होगी। उसके हम CDR निकलवा रहे हैं। SP साहब को मैंने कहा कि CDR निकलवा के फिर KML फाइल की वो कहाँ कहाँ इन दिनों में गई है। तो नैनवा के उस पूरे आज नैनवा को ही बंद कर दिया गया था और उसके अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पूर्ण रूप से कार्रवाई चल रही है और उसी के अनुसार फिर इसमें आगे निर्णय लिया गया।